अपनी हिमालयन बाइक परचेस करी थी वो इसी जगह से करी थी और 6 दिन से हम लोग भटक ही रहे हैं। जब खराब हो गया तब जाके सजेशन दे रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये वो चीज है जिस चीज के लिए हम लोग इतना परेशान हो रखे हैं। राइडिंग स्किल यहाँ पे काम आती है। अभी टाइम 1:04 हो रहा है और ऑलमोस्ट जो हेड का काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी इतनी भयंकर आ रही है ना कसम से, भाई फाइनली तैयार हो गई है, स्टार्ट हो गई भाई। वैसे तो हम लोगों ने कल देहरादून ही निकलना था पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बाइक चलाते चलाते थकान भी लग गई थी, तो इसलिए कल का स्टे हमने ऋषिकेश में किया। अब देहरादून की ओर चलते हैं और वहाँ से जो बाइक का ज़रूरी सामान है उसको लेके आते हैं। तो चलो भाई अब चलते हैं हम लोग भी। अभी हम लोग ऋषिकेश से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे आ गए हैं। अब देहरादून मेन सिटी में पहुंचने वाले हैं, बाकी निकलते हैं जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, बस उम्मीद है कि काम जल्द से हो जाए। अभी पहुंच गया हूं करणपुर में और जो मैंने अपनी हिमालयन बाइक परचेस करी थी वो इसी जगह से करी थी। अब इनसे भी बातें करते हैं ये क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूं और देखते हैं इनसे बात करके ये मुझे क्या सजेशन देते हैं। बाकी इसी जगह से मैंने अपनी बाइक परचेस करी थी। उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है, चौपट को डाली और बताइए उनको, और आरसी वगैरह भी मैं वहीं पे दिखा दूँ ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। एक्चुअल बाइक ना मेरी प्रॉब्लम कर रही है। हम तो किसी जगह सामान मंगा के ऑर्डर कर सकते हैं, टाइम नहीं ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ से बल्लीवाला जाना है और वहाँ पे दूसरा शोरूम है, वहाँ पे पता कर दिया और वहीं से जो हमें वाल वगैरह मिलेंगे वहीं से मिलेंगे। अब यहाँ पे सामान तो मिल गया है, अब हमें जाना है जहाँ पे हेड रिपेयर होता है ना वहाँ पे चलते हैं। बिल कुछ इस टाइप से है और ये बिल बना हमारा 1245 रुपये का। सामान मिल गया, अब बस सामान फिट हो जाए इंजन पे फिर निकलते हैं भाई। अभी हम लोग भी पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें वाल वगैरह लगाने हैं और इन वालों की वजह से हम लोग इतना परेशान थे। लगभग 6वां दिन है आज और 6 दिन से हम लोग भटक ही रहे हैं। सेंटर पे गए, सेंटर पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया जो मतलब ख़राब होने के बाद सारा प्रोसेस बताया कि ये होना था वो होना था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जब ये सजेशन आप मुझे उस टाइम पे देते कि जब मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, पर जब ख़राब हो गया तब जाके सजेशन दे रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग यहाँ पे ले आए हैं अपने जो हेड का जो काम होना है वो यहाँ पे भैया जी के पास ले आए हैं और ये काम सारा यहीं पर हम लोग ना कम्प्लीट कर देंगे। बाकी हमें ये काम यहाँ पर पूरा करना है, उसके बाद हमें आज ही निकलना है उत्तरकाशी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, काम हो जाएगा उसके बाद तो कभी भी निकल लेंगे, कोई टेंशन नहीं। गाड़ी वारंटी पीरियड में है पर मुझे बता रहे हैं कि आपने वहाँ पे खोल दी, अब इसकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो गई है। तो खैर कोई नहीं, जो खर्चा होना है वो मैं खुद ही कर रहा हूँ, पर ऐसा है कि कंपनी के भरोसे तो आप बिल्कुल भी मत चलना। कंपनी ने 10,000 रुपये सर्विस दे रखी है तो उससे पहले आप कहीं भी करवा लो, मेरा पर्सनल सजेशन तो ये है, क्योंकि मैं उसी भरोसे रहा तो आज मुझे 6 दिन से भटकना पड़ रहा है। अब ये वो चीज़ है जिस चीज़ के लिए हम लोग इतना परेशान हो रखे हैं।
नॉर्मल सी चीज़ है, 1000 रुपये की है, पर मिलने का कोई नाम नहीं है भाई, कसम से। 4 दिन हो गए, 4 दिन से बड़े परेशान हो रखे हैं। हाँ है वाल गाइड जो वाल को ना अच्छे से मैनेज करती है, यानी कि अगर वाल हल्का सा भी अगर हिल रहा होगा ना तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैं तो खैर ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जो भी काम करवाऊँ वो अच्छे से करवाऊँ, कोई भी दिक्कत ना हो। समझ गए, होने वाला नहीं है। और मेरी वजह से यार दीपक भाई बड़ा परेशान हो गए। और ऋतिक पहाड़ी बाइकर, कैलाश पहाड़ी, ये सारे ना वही है चमियाला में है। अब ये काम अगर निपट जाता ना तो हम तो रात 1-2 बजे भी ट्रेवल करके घर पहुंच जाते हैं। कल हो गया रक्षाबंधन, उसकी वजह से परेशान है सारे लोग। लगभग 2 बज गया है, 1:42 हो गया है। अभी हम लोग जो लंच है, लंच करने के लिए आगे हैं, बाकी अभी जो काम है वो चल ही रहा है। अभी लंच करते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि बाइक के काम में टाइम तो लगेगा। आप भूखे तो रह नहीं सकते हैं, खाना खाते हैं उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। अब जैसे ही वो काम पूरा हो जाएगा ना तो हम लोग भी सीधे उत्तरकाशी के लिए निकल जाएंगे। अभी दिन के लगभग 2:30 बज गया है और अभी तक हमारा काम नहीं हुआ है, यानी कि उस पर अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है। अभी सुबह से वही काम चल रहा है और बाकी दीपक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और सुबह से हम दोनों ना यहीं पे बैठे हुए हैं। चार बज के 36 मिनट हो गया है और सुबह हम लोग 10 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, 10-11 बजे के करीब, और तब से अब जाके हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट तो हो गया है और साथ में बाहर बड़ी खतरनाक बारिश लग गई है। लाल अभी शाम के 5:02 हो चुका है और हम लोगों की यहाँ से निकलने की तैयारी शुरू हो चुकी है और बाहर बड़ी खतरनाक बारिश हो गई है, तो इसलिए हम लोगों ने अपने आप को कवर अप कर दिया है। अब हम लोगों को यहाँ से लगभग 166 किलोमीटर की राइड करनी है, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और दीपक भाई भी पूरा पैक हो गए, पैक होना जरूरी है भाई, सब अभी चले आप। बिल्कुल ठीक है भाई जी, धन्यवाद। फोन कर लेना है, कोई भी दिक्कत हो भाई, है ना, मैं कॉल करूंगा। अभी टाइम 5:39 पे हम लोग देहरादून टोल प्लाजा पे हैं और अब यहाँ से देखते हैं। अभी तक पीछे पूरा ना हमें ट्रैफिक मिला, उसमें जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये देखो टाइम 5:39 हो रहा है। क्यों भाई बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलते हैं हम लोग भी अपने आगे के सफर में। अभी टाइम लगभग 6 बज गया है, सिटी से बाहर निकलने में हमारा ना बहुत टाइम घुस गया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ खा लेते हैं एयरपोर्ट पे और उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो इस वाली जगह पे कुछ खा लेते हैं हम लोग और फिर निकलते हैं, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं वहाँ कितने बजे पहुँचेंगे रात को। ठीक है, सबसे मेन है टायर में हवा वगैरह चेक करना, का रूट ना काफी लंबा है। हम लोग चंबा में पहुंच गए हैं और बाकी पीछे इतनी खतरनाक बारिश लगी ना कसम से, आगे देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी। अभी 7:51 हो रहा है और हम लोग चंबा में पहुंच गए, हालत कुछ ऐसी हो रही है भाई। अप्रॉक्स 70-75 किलोमीटर रह गया है शायद से, तो उतना तो 1 घंटे का काम है। अगर बारिश 1 घंटे तक नहीं होती है ना तो जो डेस्टिनेशन पॉइंट है ना वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी 9:44 तो हो गया है और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घनसियाली में, तो यहां से चमियाला रह गया मुश्किल से 8 किलोमीटर रह गया। चलो चलते हैं अब जल्दी से। अभी 9:58 हो रहा है, हम लोग भी पहुंच चुके हैं आज के अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे और अच्छी बात ये रही कि रास्ता भी ठीक था, थोड़ा बहुत बारिश भी लगी,
पर सेफली पहुंच गए। बाकी अब दोस्तों के पास चलते हैं, फिर मिस्त्री के पास भी जाना है, मिस्त्री का भी कॉल पे कॉल आ रहा है। चलो फिलहाल अभी इनफैक्ट 10 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पड़ाव पे। और कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सुबह से सभी लोग इंतजार में थे कब आएंगे आलोक भाई। राइडिंग स्किल यहाँ पे काम आ। चलो बहुत बढ़िया, जो हेड हमने रिपेयर करवाया है उसको मिस्त्री के पास देना है, और जो भी काम होगा वो आज रात को ही कम्प्लीट होगा। और मिस्त्री भाई से भी बात हो रखी है, वो भी अभी शॉप पे है, तो सभी लोग थोड़ी देर में खाना खाते हैं, पहले वहाँ पे चलते हैं और जो भी है मिस्त्री को समझाना, तो वो सारी चीजें करते हैं। तो चलो भाई मैं अभी पहुंच गया हूँ मिस्त्री भाई के पास में, और भाई भी अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, धन्यवाद आपके लिए भी। और एक भाई यहाँ पे हैं, और अपनी रुद्रा की हालत देखो भाई, कुछ ऐसी हो रखी है। अब जल्दी से काम करवाते हैं। अब मेन काम है, अब बाइक के जो पार्ट हम लोग ले आए थे वो ज्वाइंट करने हैं, बाइक को बिल्कुल रेडी करना है, तो ये काम आज रात ही रात में होगा, क्योंकि कल सुबह 5 बजे हमें घर निकलना है। और सबसे मेन हो गया कल रक्षाबंधन हो गया, तो सभी का घर पे जाना बहुत ज़रूरी हो गया कि अब इस काम को करते हैं जल्दी से जल्दी। हो गया ना फिट? मैकेनिक बन जाएंगे यहाँ पे। अभी ये वाला हेड तो लगा दिया है, बाकी सभी इस बाइक के पीछे देखो सभी लोग कितने लगे हुए हैं, लगा लो यहाँ पे 2, 4, 6, 2, 8 लोग हैं। अभी दोस्तों का इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा रिस्पांस रहा, खैर रिस्पांस तो खैर हमेशा ही रहता है, और बहुत सारे लोगों का इन चीज़ों पे कमेंट भी था कि मतलब जो हम दोस्त लोग सभी साथ में चलते हैं ना, तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट भी थे, और सभी के कमेंट देख के मतलब अच्छा भी लगता है और पढ़ने में बड़ा मज़ा भी आता है। और बाकी परसों के जैसे बाइक ख़राब हुई तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करे हुए थे यार, दोस्ती हो तो ऐसी हो, तो वो कमेंट पढ़ने में अच्छा भी लगता है। और एक भाई ने थोड़ा कुछ ऐसी कमेंट करा हुआ था मुझे तो वो कमेंट सुन के ना कसम से हंसी भी आ रही थी, मतलब जब मैंने वो कमेंट पढ़ा ना तो मुझे सच में हंसी भी आ रही थी। पर ऐसा कुछ नहीं है, पर जहाँ 100 कमेंट अगर पॉजिटिव है, 1 कमेंट अगर नेगेटिव भी आता है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी अगर कोई कर भी देता है तो कोई नहीं, वो बंदा कम से कम वीडियो वॉच तो कर रहा है, मेन बात तो ये है। काम अभी चल ही रहा है, और आज ही रात को रुद्रा को बिल्कुल चकाचक करना है। अपने पहाड़ी भाई को बुला रखा है। हाँ नहीं तो पहाड़ी भाई की पीठ में लगानी है। चल ही चल भाई, करेंगे भाई हम, बहादुर भी ऐसे कुछ नहीं भाई। बाकी अभी टाइम 1:04 हो रहा है, और ऑलमोस्ट जो हेड का काम है वो कंप्लीट हो गया है, टाइमिंग चेन भी डल चुकी है। रात के टाइम पे काम तो खैर क्या ही होना, पर मिस्त्री भाई से बात हो रही थी, लगभग 4 दिन से बाइक यहीं पे खड़ी है, तो मिस्त्री भाई ने भी बोला कि यार जैसे ही तुम सामान ले आओगे, तो चाहे रात के टाइम पे भी ले आओगे ना, तो हम लोग कर देंगे। बाकी नींद अभी इतनी भयंकर आ रही है ना कसम से, आँखें दर्द करने बैठ गई है। तो चलो भाई अब टाइम हो चुका है रुद्रा को स्टार्ट करने का, अब देखते हैं स्टार्ट होती नहीं होती है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो चलो भाई फाइनली अभी थोड़ा बहुत जो बाइक स्टार्ट करी है स्टार्ट तो हो गई है, और अभी थोड़ा काम और है वो भी देखते हैं, और अब देखते हैं कि सारा कुछ लगाने के बाद जो रुद्रा की जो परफॉर्मेंस है, जो रुद्रा अच्छे तरीके से स्टार्ट तो हो गई है, पर अभी हल्का फुल्का कुछ काम बचा है वो भी कंप्लीट करना है। बाइक के पीछे सभी लोग लगे हैं, कैलाश तो यहीं अंदर दुकानी में सो गया,
और बाकी दीपक भाई देहरादून से आते आते इतने थक गए थे कि वो भी रूम पे चले गए हैं, साथ में ऋतिक भी चले गए उनके, पहाड़ी भाई हो गए और आलोक भाई टॉर्च करनी जरूरी है वो भी। तो चलो भाई फाइनली तैयार हो गई है, स्टार्ट हो गई भाई, बहुत बहुत बधाई यार, धन्यवाद। 2 बज गए ये देखो रात के 2 बजे दिपदा पार। दो बज के 16 मिनट हो गया है और ठीक 16 मिनट पे हमारी बाइक की ना बिल्कुल जैसी थी वैसी की मिल चुकी है, धन्यवाद। अरे धन्यवाद क्या यार, हमने कम से कम इंजन तो देखा कैसे रहता अंदर। पैसा। टाइम इतना ज्यादा हो गया ना कि कसम से नींद तो आ रही है, हमें भी नींद आ रही है, पर मजबूरी ये थी कि बाइक के पास रहना ही था। होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ स्वीट इन स्पिट, बाय दोस्तों, बाय बाय।